हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टारगेट पॉइंट पर। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं अंतरिम बजट जो 2024 और 25 को निकला है, उस पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। 25 का जो है प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। इसमें सर्वांगीण जो है सर्वव्यापी तथा सर्वसमावेशी समावेशी विकास के साथ वर्ष 2047 तक जो है विकसित भारत का जो है रूप रेखा जो है इसमें तय किया गया है। बजट जो है पेश किया जाता है जो सरकार का व्यय तथा आवश्यक सेवाओं की निरंतर जो है सुनिश्चित करना होता है, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य यही होता है। आखिर बजट को जो है संविधान के कौन सी अनुच्छेद में जोड़ा गया है, तो बजट जो है संविधान का जो है अनुच्छेद नंबर 100। बजट 2024 का कुछ महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं और उसको देखने वाले हैं कि बजट 2024 में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बन के उभर रहा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने और कब पेश किया था। स्वतंत्र भारत का जो है पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया फ्रेंड्स, तो वो किया था आर के सन्मुखम, 26 नवंबर 1947 को पेश किया था, ठीक है। आर के सन्मुखम रेड्डी होगा, यहाँ पे रेड्डी जो है 26 नवंबर 1947 को क्या किया था, पेश किया था। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट का प्रावधान किया गया है, बताइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है केंद्रीय बजट का प्रावधान किया गया है, तो उसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 112। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अनुच्छेद 112। तो बजट सत्र का जो है बैग लाने का परंपरा किसने शुरू किया था, ये क्वेश्चन है, किसने शुरू किया था। तो वो शुरू किया था विलियम एवर्ट ग्लैडस्टोन ने शुरू किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, संसद में बजट किस भाषा में पेश किया जाता है, तो संसद में बजट जो है अंग्रेजी भाषा में जो अभी पेश हुआ है, इंग्लिश भाषा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट को केंद्रीय बजट क्यों कहा जाता है, बजट को जो है केंद्रीय बजट क्यों कहा जाता है, तो इसका कारण क्या है, क्योंकि यह केंद्रीय बजट द्वारा पेश किया जाता है, ठीक है। दूसरा कारण है, क्योंकि यह संघीय राज्य का बजट होता है, और तीसरा जो है क्योंकि यह राज्य का संघ होता है, यानी उपरोक्त से सब सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाटे का बजट क्या है, तो घाटे का बजट तब होता है जब व्यय आय से अधिक होता है, ठीक है। जब घर कोई भी बिजनेस घाटा में तब जाता है जब जो है मुनाफा वो कम कमाता है, लागत ज़्यादा रहता है और मुनाफा लागत से नीचे अगर मुनाफा अगर कमाता है तो वो लॉस में जाता है, ठीक है। तो जब व्यय आय से अधिक होता है तो वो घाटे का बजट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित बजट क्या होता है, तो संतुलित बजट क्या होता है फ्रेंड्स, बताइए। संतुलित बजट वो होता है जब आय व्यय के बराबर होता है, ठीक है। जब आय व्यय के बराबर होता है तो वो संतुलित बजट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला बजट किसने पेश किया था, भारत में पहला जो बजट पेश किया था फ्रेंड्स, जेम्स विल्सन ने, कौन किया था, जेम्स विल्सन ने पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 2024 केंद्रीय बजट कौन सा बजट है, तो है 76वां बजट है। कौन सा है फ्रेंड्स, 2024 का जो बजट हुआ है 76वां बजट है। अगला क्वेश्चन है, बजट के लिए कौन सा परंपरा 1860 में शुरू हुई है,
1860 से जो है बजट का परंपरा शुरू है। तो वह परंपरा बजट को लाल रंग के बैग में लाना, ठीक है जी, 1860 से ही चलती आ रही है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की आम बजट के साथ रेल बजट के विलय को कब मंजूरी की गई है। तो भारत को जो है रेल बजट और आम बजट के साथ दोनों को एक साथ मिक्स कर दिया गया है, जो है 21 सितंबर 2016 में, ठीक है, इसको विलय किया गया है, 21 सितंबर 2016 को विलय किया गया है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला संयुक्त बजट संसद में कब पेश किया गया। तो देश का पहला संयुक्त बजट जो है फरवरी 2017 में पेश किया गया। कब किया गया फ्रेंड्स, फरवरी 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेलवे के लिए अलग बजट की प्रथा कब शुरू हुई थी। तो रेलवे के लिए अलग जो बजट जो पहले जो बनता था वो 1924 में स्टार्ट हुआ था, 1924 में, और 2016 में जो है ये ख़त्म हो गया, ठीक है, 2024 से ये चलती आ रही थी, रेलवे का अलग बजट बनता था। नेक्स्ट है, रेल बजट को आम बजट में विलय का फैसला किस समिति की सिफारिश के आधार पर लिया गया। तो रेलवे बजट का जो है और आम बजट को एक साथ जो है किसकी सिफारिश पर किया गया, तो वो है एक वर्थ समिति के आधार पर। किसके आधार पर लिया गया था, एक वर्थ समिति के आधार पर। नेक्स्ट है, किस वर्ष रेल बजट की पहली बार आम बजट के साथ प्रस्तुत किया गया। तो 2016 में सम्मिलित हुआ था और 2017 में जो पहली बार जो क्या हुआ, इसको रेल बजट को आम बजट के साथ इसको प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेलवे के लिए अलग बजट की प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई है। ये तो बता दिया 2016 में, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे के लिए अलग बजट की प्रथा किस समिति की सिफारिश, ये भी बता दिए हैं, एक वर्ष समिति की सिफारिश पर जो है रेलवे को जो है अलग जो है बजट एक साथ आम बजट और रेलवे बजट एक साथ एक और समिति के सिफारिश पर लिया गया फैसला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मला सीतारमण ने 2019 की बजट दस्तावेजों को ले जाने के लिए किस वस्त्र का उपयोग किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, लाल कपड़े का फोल्डर का, ठीक है, किसका, लाल कपड़े का फोल्डर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना महामारी से पहले वित्त मंत्री ने अपने बजट दस्तावेजों को ले जाने के लिए किसका इस्तेमाल किया करते थे। तो इस्तेमाल करती थी बजट ब्रीफ केस का, किसका, बजट ब्रीफ केस का इस्तेमाल करती थी, ठीक है।